हमारे गुरुवर है। बोलिए श्याम प्यारे की। देखिए सबसे पहले तो आप लोग व्यवस्था बनाइए, जो लोग खड़े हैं ना ये सब बैठ जाइए, और जो यहाँ के जो भी व्यवस्थापक है उनसे निवेदन की ज्योत के ऊपर में, देखो कीर्तन हो और ज्योत चले साथ साथ, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए बस अब जिनको ज्योत लेना है वो आखिर में जब आरती होगी उस समय ज्योत लेंगे। सब थोड़ा थोड़ा पीछे होकर, थोड़ा 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 पीछे होकर आप लोग बाद में ले लीजिएगा, बाद में लीजिएगा ना, जो देखिए अगर आप लोगों ने व्यवस्था करी है इतनी सुंदर, ये व्यवस्था आपको ही बनानी पड़ेगी। भाई साहब ये बांटना बंद करो, भाई साहब मत बांटो अब, मत कोई बांटा बाटी मत करो अब। आप लोग भी उधर से पीछे पीछे होइए, थोड़ा थोड़ा पीछे कसम और पीछे होना, अरे बहुत जगह है यार, हो ना पीछे। देखिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय भैया जी, नंदू भैया जी अपने व्यस्ततम समय में से बाबा के लिए, बाबा की पदयात्रा के लिए इन्होंने समय निकाला है। श्री श्याम कला भवन और महुआ के जितने भी श्याम प्रेमी जो यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं, हम तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जितनी देर लगेगा कि कीर्तन हो रहा है उतनी देर ही कीर्तन होगा। कहीं से भी लगा कि आप लोगों का मन नहीं है उसी समय आरती कर देंगे, ये आपके ऊपर है कि कितनी देर कीर्तन चले, क्योंकि कीर्तन भावों की बात है, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अखाड़ा लगे बाबा का, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात बाबा से हो पाए, तो आपको अंदर उतरना पड़ेगा, और अंदर उतरने के लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हो, आपके पास क्या है और क्या नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजर है मेरा उनसे निवेदन है कृपया बैठ जाएं, कोई भी खड़ा ना रहे, क्योंकि आप खड़े रहते हो तो ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो। आइए मैं आवेदन करता हूँ, अरदास करता हूँ परम आदरणीय भैया जी से कि कृपया आज सौभाग्य मिला है। बोलो सांचे दरबार की। देखो महुआ बहुत भाग्यशाली है आप लोग कि बाबा की ये यात्रा
जो बाबा के नाम के प्रचार और प्रसार के लिए कला भवन के सानिध्य में कलकत्ते से यह यात्रा बाबा खाटू श्याम जी तक के लिए ये आयोजित की गई, जिसका आज का पड़ाव आपका ये क्षेत्र महवा। आज से 19 वर्ष पहले फिर दोबारा मैं नहीं आ पाया आपके इस क्षेत्र में, दौसा, मेहंदीपुर, बस्सी है ना, बस्सी, खेड़ली, नगर, तो ये क्षेत्रों में 20 वर्ष पहले, देखो 20 साल लगे दोबारा महवा आने में, ये वही एरिया है ना। अरे अच्छा, अरे हाँ हाँ याद आया, चलिए वो सुनिए, उसी स्वाद ने मुझे दोबारा खींच लिया। यात्रा में जितने भी लोग चल रहे हैं सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हो, हर कार्य बाबा का है, किंतु मेरे प्रिय सबसे पहले पुरुषोत्तम जी खाटू के जो निवासी हैं और बाबा के और कला भवन से जिनका बहुत ही अटूट संबंध है, वो हैं फिर हमारे श्री संजय मित्तल, जो किसी, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, आज तो पूरा हिंदुस्तान इनके बारे में जानता है। साथ में श्री मोतीलाल जी शर्मा, वो हैं, राजीव काबरा हैं, दिलीप है जो कल अहमदाबाद में आजकल रह रहे हैं, और बहुत से लोग चल रहे हैं, मैं नाम सबका लूँगा तो सबसे पहले मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ये यात्री जो चल रहे हैं उन पर विशेष कृपा ठाकुर ने की कि उनका चयन किया इस यात्रा के लिए। गीता में अर्जुन ने पूछा कि ठाकुर जी आपको सबसे प्रिय भक्त कौन है, एक श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया, उसका मैं हिंदी आपको बताता हूं कि अर्जुन मेरे नाम का प्रचार प्रसार जो करते हैं और उसमें जो सहयोग करते हैं उनसे प्रिय मुझे कोई नहीं। तो आज ये तो है ठाकुर के प्रिय, लेकिन ये जो यज्ञ है उस यज्ञ में आपने भी जो अपने भाव की एक अंजलि आपने इसमें डाली, तो ये यज्ञ जो है उसमें आप भी सहभागी बन के आप भी मेरे बाबा के श्री कृष्ण के प्यारे हो गए आप भी। तो मैं श्री लाली जी से कहूंगा कि पुरुषोत्तम जी को थोड़ा, देखो कोई भी भक्त सम्मान का भूखा भक्त अगर है तो उसको मान का सम्मान का कि विश्व अमृत सब एक हो गया, विश्व अमृत सब एक हो गया, कब, जब सांवरिया मनमीत हो गया। तो आपके भी मनमीत है, इनके तो मनमीत है ही, ताकि इन्होंने चुना तो ये इसी सम्मान के, ये लालसा इनको हो ही नहीं सकती, लेकिन ये मेरा मन है कि मैं अपने प्रिय लोगों का ठाकुर के इस दरबार में, राजस्थान की इस धोरारी धरती पर मैं सम्मान करूं, ये हमारा, मुझे बहुत परम आनंद की अनुभूति हो रही है। श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा, खूब तालियां बजा करके श्री संजय मित्तल आज भजन सब गाते हैं, लेकिन इन ये जो भजन गाते हैं और भजनों का जो चुनाव करते हैं, भजनों के चुनाव के कारण आज श्याम जगत में बाबा की आंख के तारे हैं हमारे संजय। Thank you.
शर्मा, मैं क्षमा चाहूंगा यदि जो भी यात्रा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो खड़ा होते तो कितना कष्ट होता है। ये मामूली बात नहीं है प्रेमियों, कहने में सुनने में कितना भी लगता हो, लेकिन ये बड़े भागी हैं क्योंकि कष्ट सहने के बाद ही आनंद की अनुभूति होती है। श्री राजीव जी काबरा, ताली बजाओ यार, पैर निकालो, पैर दे। देखिए मैं फिर निवेदन करूंगा, ये जो लोग खड़े हैं ना, मैं उनसे निवेदन करता हूं आप बैठ जाइए प्लीज। देखिए आप लोग और ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं कूद रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए प्लीज। ये पीछे में जो आवाजें कर रहे हैं, बैठ जाइए सारे, बैठ जाइए और बोलो नहीं। एक बात अभी संजय ने आपसे बताई कि जोत बाद में लेना। बहुत पहले जब मैं नया नया आया था तो मैं देखता कि जोत तो लेनी चाहिए बाबा की, तो मैंने दो लाइन लिखी जो असुविधा के कारण संजय, कि बाहर दीप जले तो जले, पुरुषोत्तम जी बाहर दीप जले तो जले, अंतर का दीप जलाना है। ये जोत ली, अगर ये जोत ना हुई तो किस काम की। तो बाहर दीप जले तो जले, अंतर का दीप जलाना है, और अंतर दीप जलाकर हमको श्याम से प्रेम बढ़ाना है। तो वो अंतर दीप अगर आप जला लेंगे तो बाबा को भी आपसे प्रेम होगा और आपको तो बाबा से प्रेम है ही। आइए दो मिनट का एक भजन मैं गाता हूं शुरू में, ये कीर्तन का है। महाराज बैठ जाओ, आप दीपक जी नाम है इनका, क्या नाम है, राकेश जी, राकेश जी तुम्हें बैसी जाओ। नहीं बहुत सही है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात, छोटे से गांव में आप अभिमान तो नहीं करोगे, इस छोटे से गांव में मैंने आपके जोश को देख लिया, परख लिया। गृहिणी 5 किलो चावल पकाती है, लेकिन एक चावल निकाल के पता लग जाता कि चावल पका या नहीं पका। तो आप कितने पके हैं श्याम प्रेम में, मुझे अंदर आते ही पता लग गया। तो आइए छोटा सा कीर्तन, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं कहां रहता हूं, तो नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चे, मद भक्ता जत्र गायंती तत तिष्ठामि नारद। सुदबुद्ध खो करके भगवान ने नारद से कहा, नारद तुम वैकुंठ मत आना, योगियों के पास मत जाना, अगर मुझसे मिलना हो कलयुग में तो वहां आना जहां सुदबुद्ध खो करके भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं। तो अब बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी, अब कोई बात नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, बोलो बात नहीं करेंगे, सच्ची बोलो बात नहीं करेंगे। वाह क्या बार बार ही जाओ। मुरली मनोहर, लिस्ट बन रही थी क्या गाऊं, मेरे को मैंने कहा वहां जाके क्या गाऊंगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो ठाकुर सुनना चाहेगा वो अपने आप सुन लेगा। मुरली मनोहर नंदलाला नटवर नागर गोपाला, श्याम सहायक तुम सबके, श्याम सहायक तुम सबके, तू ही सबका रखवाला। मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, नटवर नागर
मुरली मनोहर नंदलाला नटवर नागर गोपाला श्याम सहायक तुम सबके श्याम सहायक तुम सबके सदा तेरी माला तेरू सदा तेरी माला नटवर नागर गोपाला तेरू सदा तेरी माला नटवर नागर गोपाला ओ मुरली मनोहर हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा क्यों याद कर रहे हो चरणों की अरे चरणों की दे दो हमें श्याम सेवा चरणों की दे दो हमें श्याम सेवा ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे आइए नारायण वासुदेवा चरणों की दे दो हमें चरणों की दे दो हमें श्याम सेवा ये सेवा मिलने से क्या होगा कर दे हमको कर दे हमको मतवाला कर दे हमको मतवाला नटवर नागर जन्मों का ठाकुर जी एक बार से मन भरने वाला नहीं जन्मों का रिश्ता बना ले जन्मों का रिश्ता बना ले कन्हैया जन्मों का रिश्ता बना ले कन्हैया जन्मों का रिश्ता बना ले कन्हैया इस नाव का तो तू ही खिवैया इस नाव का तो हाथ उठा के बोलिए जन्मों का रिश्ता
रिश्ता बना ले कन्हैया, जन्मों का रिश्ता बना ले कन्हैया, इस नाव का तो तू ही खिवैया, इस नाव का तो तू ही खिवैया। और ये लाइन यात्रियों के लिए, नंदू क्या मिल रहा है इस यात्रा से, नंदू हृदय का उजियारा, नंदू हृदय का उजियारा, नटवर नागर गोपाला, नंदू हृदय का उजियारा, नटवर नागर श्याम प्रेम की, बोलो बाके बिहारी लाल। देखो यात्रा कलकत्ते से चली, इन यात्रियों को यात्रा में जो प्यार मिला, तो ये आपने जो ये सहयोग किया, यज्ञ में आहुति डाली, आप लोगों के लिए इनके मन में क्या है? चार था मेरे, चार ही रखो, गाओ गाओ। बोलो श्याम प्यारे की, इसमें आप भी शामिल हैं। गांव गांव देखा भगवन, गांव गांव देखा भगवन, तेरे आधार को। अभी भैया ने कहा ना कि आप कुछ दिन पहले आए थे, तो आधार यही हुआ ना आपके, हमारी जान पहचान तो आधार है। गांव गांव देखा भगवन, तेरे आधार को जो आपने किया ना, जीवन पर्यंत इसको कोई भुला नहीं पाएगा, भुला नहीं सकता तेरे भक्तों के प्यार, भुला नहीं सकता भक्तों के प्यार। ओ ओ गांव गांव देखा भगवन, तेरे आधार को, तेरे आधार को भुला तेरे भक्तों के प्यार को, गांव गांव देखा भगवन, तेरे आधार को, तेरे आधार को भुला नहीं सकता तेरे भक्तों के प्यार को। छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे कस्बे जहाँ तेरे प्रेमी रहते हैं, छोटे छोटे कस्बे जहाँ तेरे प्रेमी रहते हैं,
ओ तेरी ज्योत के साए में तेरा गुण गान करते हैं, तेरी ज्योत के साए में तेरा गुण गान करते हैं। उनकी भक्ति में देखा, देखो लाख कोई सजा दे ठाकुर को, लेकिन आपके प्यार के बिन मेरे ठाकुर का श्रृंगार अधूरा। कैसे? उनकी भक्ति में देखा, उनकी भक्ति में देखा तेरे श्रृंगार को, तेरे श्रृंगार को भुला नहीं सकता, तेरे भक्तों के प्यार को मान का देखा भगवान। तेरी ध्वजा ने मोह लिया, माथे पे कलश कहीं कहीं तेरी ध्वजा ने मोह लिया। तारीफ मैं कितनी करूं, सबों की सोच को मोड़ दिया, तारीफ मैं कितनी करूं, सबों की सोच को मोड़ दिया। कैसी यात्रा होगी, कौन आ भगत करेगा? ठाकुर, ये गांव गांव में रहने वाले तेरे प्रेमियों के प्रेम ने इस सोच को बदल के रख दिया। फिर आपके लिए दो लाइन, माथे पे कलश कहीं कहीं तेरी ध्वजा ने मोह लिया, माथे पे कलश कहीं कहीं तेरी ध्वजा ने मोह लिया। तारीफ मैं कितनी करूं, सबों की सोच को मोड़ दिया, तारीफ मैं कितनी करूं, सबों की सोच को मोड़ दिया। देखो ये हम ना होते अगर आप ना होते, क्या किया आपने, अमृतमयी कर डाला। अमृतमयी कर डाला भजनों की धार को, भजनों की धार को भुला नहीं सकता, तेरे भक्तों के प्यार को गांव गांव देखा भगवान। तेरे आधार को, तेरे आधार को भुला नहीं सकता, तेरे भक्तों के प्यार को गुणगान। यात्रा ने ये प्रभु के गुणगान की यात्रा जो कलकत्ते से खाटू तक चली है, क्या किया इसने, गुणगान यात्रा ने तार से तार मिलाया है, गुणगान यात्रा में तार से तार मिलाया है। देखो अगर ये यात्रा यहाँ ना आती तो क्या मैं यहाँ आता, नहीं आता ना, वही बात है। गुणगान यात्रा ने तार से तार मिलाया है, गुणगान यात्रा ने तार से तार मिलाया है। और बिखरे हुए, बिखरे हुए, बिखरे हुए फूलों से गजब का हार बनाया है, बिखरे हुए फूलों से गजब का हार बनाया है। और देखो हर पल संजोए रखना, ये जो आज प्रभु ने आप पर उपकार किया है, हर पल संजोए रखना इस उपहार को, इस उपहार को भुला नहीं सकता, तेरे भक्तों के प्यार को गांव गांव देखा भगवान। तेरे आधार को, तेरे आधार को भुला नहीं सकता, तेरे भक्तों के प्यार। देखो
आपने आज एक आहुति डाली, लेकिन आपने हमको खरीद लिया। हमारा निश्चय क्या है, आपके इस प्रेम के बदले हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम आपसे एक वादा करते हैं। नंदू अब जीवन का लक्ष्य बस एक हमारा है, नंदू अब जीवन का लक्ष्य बस एक हमारा है, मेरे श्याम की सेवा ही मेरे जीने का सहारा है, मेरे श्याम की सेवा ही मेरे जीने का सहारा है। ओ नंदू अब जीवन का लक्ष्य बस एक हमारा है, मेरे श्याम की सेवा ही मेरे जीने का सहारा है। ओ सत सत नमन भक्तों को, सत सत नमन भक्तों को, और भगवान को, और भगवान को भुला नहीं सकता तेरे भक्तों के प्यार। गाँव गाँव देगा भगवान तेरे आधार को, तेरे आधार को भुला नहीं सकता तेरे भक्तों के प्यार को, भुला नहीं सकता तेरे भक्तों के प्यार। बोलो सांचे दरबार की। इस जहां में तेरो सार बारे देखिए, ये भजन मैंने भैया जी से रिक्वेस्ट किया। 30 वर्षों में इतनी जगह इनका सानिध्य मिला, इनका आशीर्वाद मिला, इतनी जगह कीर्तन सुने, ये भजन मैंने कभी नहीं सुना। यात्रा में एक MP3 पता नहीं कहाँ से आई, रथ में बजी 10-12 घंटे की वो MP3 लगातार 6 दिन तक बजी, और उस MP3 का जो सबसे बेहतरीन भजन जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, इस भजन को सुनिएगा अपने आप को भुला कर। डर 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 चल 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 खाटू। कितने लोग जाते हो? सारे जाते हो? क्यों जाते हो मैं बताऊं? अच्छा मैं बता दूं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ ना, युद्ध के बाद पांडवों का अभिमान हो गया, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। कृष्ण ने कहा, भाई मैंने तो युद्ध नहीं देखा, बर्बरीक ने देखा है। बर्बरीक के सींच को, योग माया को कह के अमृत से सींच कर दिया तो जीवित कर दिया। और जब वहां गए कृष्ण पांडवों को लेकर, तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज मैंने तो कुछ इनको तो देखा ही नहीं, मैंने तो अपार एक ऐसी शक्ति देखी, ऐसा देखा कि वही नरसंहार कर रही थी। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। जानते क्या कहा? स्कंद पुराण में जो दिखा वो कोमा फुलस्टो बता रहा हूं मैं, कि बर्बरीक कलयुग में जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र वायु, कलयुग में जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र वायु रहेंगे, तब तक तुम सर्वत्र पूजे जाओगे। राजस्थान सर्वत्र, मतलब विश्व में एक दिन हम आप नहीं रहेंगे, 1000 वर्ष हो जाए, लेकिन एक दिन कोई धरती का ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जहां मेरे बाबा का झंडा नहीं लहराएगा। चूंकि ऐसा ही वरदान श्री कृष्ण ने दिया है। आइए, इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है, इस सबसे श्याम का दरबार है, श्याम का दरबार मेरे बाबा का
द्वार है श्याम का दरबार मेरे बाबा का दरबार है। ओके शुरू करो। इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है। इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है। इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है। इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है। श्याम का दर गर्व से बोला ये लाइन। श्याम का दरबार मेरे बाबा का दरबार है। श्याम का दरबार मेरे बाबा का दरबार है। देखो देखो सब मिलके नहीं बोले, फिर से बोलो। श्याम का दरबार मेरे बाबा का दरबार है। श्याम का दरबार मेरे बाबा का दरबार है। इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है। इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है। लेखनी ले करके बैठा सांवरा दरबार में। लेखनी ले करके बैठा सांवरा दरबार में। लेखनी ले करके बैठा सांवरा दरबार में। छप चुके हैं कर्म अपने श्याम के अखबार में। छप चुके हैं कर्म अपने श्याम के अखबार में। ओ फैसला लिखने को देखो सांवरा तैयार है। लिखने को देखो सांवरा तैयार। ये जो आपने किया मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हर भक्ते का आप समझे कि शाम के किसी भी कार्य में अगर हम सहयोग करते हैं वो किसी पूजा से कम नहीं है। ठाकुर जी भी आज देख रहा होगा महुआ के प्रेमियों को। फैसला जाओ बेटा पास। फैसला लिखने को देखो सांवरा तैयार है। फैसला लिखने को देखो सांवरा तैयार है। ओ इस जहां सबसे राजा श्याम का दरबार है। ओ इस जहां सबसे साचा श्याम का दरबार है। राम में मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया कलयुग के लिए। राम में घन श्याम में बाबा श्याम में क्या फर्क है। राम में घन श्याम में बाबा श्याम में क्या फर्क है। एक ही माया प्रभु की तर्क में बस तर्क है। एक ही माया प्रभु की तर्क में बस तर्क है। श्याम प्रेमियों
मत फंसो मत फंसो तू ईदा में तुम तो, मत फंसो तू ईदा में तुम तो, कर फंसे मझधार है, फंसो तू ईदा में तुम तो, कर फंसे मझधार है, इस जहां सबसे साचा बोलो शाम का दरबार है, ओ इस जहां में सबसे साचा शाम का दरबार है, गंदगी एक जानवर भी गंदगी में नहीं बैठता, गंदगी ये कैसे आएगा, गंदगी मन की मिटा कर श्याम की दरकार है, गंदगी मन की मिटा कर श्याम की दरकार है, गंदगी मन की मिटा कर श्याम की दरकार है, गंदगी मन की मिटा श्याम की दरकार है, पाओगे पाओगे श्री श्याम को ये श्याम का इकरार है, पाओगे श्री श्याम को ये श्याम का इकरार है, गंदगी इसको न भा सादगी से प्यार है, गंदगी इसको न भाए सादगी से प्यार है, इस जहां में सब भूल गए क्या श्याम का, वो इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है, कर भला हो गा भला तू, कर्म कर सत कर्म कर, कर भला हो गा भला तू, कर्म कर सत कर्म कर, कर्म कर, कर भला होगा भला तू, कर्म कर सत कर्म कर, प्रेम कर, अगर कोई प्रेमी से प्रेम नहीं करता तो वो शाम से प्रेम कर ही नहीं सकता, प्रेम ये किसने कहा, प्रेम कर प्रेमी से तू, प्रेम कर प्रेमी से तू, फरमा प्रभु हो प्रेम कर प्रेमी से तू, फरमान प्रभु का जान कर, प्रेम कर प्रेमी से तू, फरमान प्रभु का जान कर, जिंदगी जिंदगी नंदू वही जहां सांवरे सरकार है, जिंदगी नंदू वही जहां सांवरे सरकार है, इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है, अब एक ही व्यक्ति चुंबकदार फौरन ये तालियां बजा के, इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है, इस जहां में सबसे साचा श्याम का दरबार है, इस जहां में सबसे साचा श्याम का
दरबार है। बोलो श्याम प्यारे जय। होठों एक संदेश आपको कि होठों बाबा से कहते हैं, देखो बिना प्रभु की कृपा के प्रभु के कीर्तन में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, बिल्कुल समझ लेना। ये जो एडहेसिव है ना, एडहेसिव मन जानते हो ना, जो चिपक जाए जोड़े, वो और कोई नहीं प्रभु का नाम है। राम ते अधिक राम के नामा। राम ने डाला पत्थर वो डूब गया, और राम लिख के जो डाला गया वो ओके। बहुत सुंदर भजन। तो मैं बात कर लू, मैं सुनता हूं, बात मत करो। नो, तुमने मुझसे प्रोमिस किया, मैं तुम्हारा दादा भी हूं, मैं पिता भी हूं, ताऊ भी हूं, अब बात नहीं करना ओके। करो फिर मैं बैठ जाऊ, एक ही बात करना बेटा, अगर बोलना हो तो। हो तो ये तुम लोगों के लिए हसो मत, तुम लोग कौन से बात नहीं कर रहे, तुमको मैं भूल नहीं रहा हूं, इनको भूल रहा हूं। होठों पे तेरा ही नारायण, जब तक सांसें बाकी है इतनी कृपा कर, जब तक जीऊं तेरे नाम रस का प्याला पीता रहूं और पिलाता रहूं। होठों पे तेरा नाम हो हर पल, सुबह या शाम हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो। एक बार बोलो तो। होठों पे तेरा नाम हो हर पल, सुबह या शाम हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो, तेरा प्रभु बस ध्यान हो। ओ, माता बहनों मेरे भाई, मौन हो नैना पुकारे।
श्याम प्यारे, श्याम प्यारे, मौन हो सब अपने निभाऊं, फर्ज सब पूरे करूंगा, बस तुम्हें नजदीक चाहूं, फर्ज सब पूरे करूंगा, बस तुम्हें नजदीक चाहूं। Yeah.
बिन है बेसहारा, क्या करो बोलिए बोलिए, दिल हमारा तेरे बिन है बेसहारा। बताओ बिना बाबा के कुछ कर सकते हैं हम? बाबा के बिना हमारी क्या औकात, बताओ। दो लाइन सुनो, अगला बता दे। मेरा जीवन मेरे बाबा बिन तेरी कृपा किस काम का है, ये तेरी कृपा से चमक रहा ये असर तुम्हारे नाम का है, क्या करूं ये दिल हमारा तेरे बिन है बेसहारा, क्या करूं ये दिल हमारा बोलो बोलो तेरे बिन है बेसहारा, क्या करूं ये दिल हमारा तेरे बिन है बेसहारा, क्या करूं ये दिल हमारा तेरे बिन है बेसहारा, नंदू नैनो से निहारू सांवरे तेरा नजारा, नंदू नैनो से निहारू सांवरे तेरा नजारा, साचे दरबार। और एक और भजन, क्योंकि हैं, अरे एक और सुन लो, मैं एक और गा दूं। वही बेटा सर, ये रखो चार रखो, हो गावे गाया था तेरो ही सहारो लियो, बाबा से एक बार बोल देना, बोलो श्याम प्यारे की। मैं गाता हूं बेटा, है ना, कृपया शांति बनाकर बैठ जाइए। बोलो श्याम प्यारे की। बाबा के दरबार में जो लोग बराबर जाते हैं उनके दिल की दास्तां गाऊं। सब जगह मंजिल भटक कर, सब जगह मंजिल भटक कर, अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना श्याम मर्जी आपकी, श्याम मर्जी आपकी। सच्ची बात देखो, ये दिल से नहीं बोली, दिल से श्याम मर्जी आपकी। क्यों? तेरो ही सहारो लियो। अरे वाह, आता है सबको, कमाल हो गया। अच्छा लगता है मुझे, मैं 20 साल के बाद आया राबू भजनकारे जो मैंने कभी आपको सुनाया ही नहीं, टीवी पे सुनते हो। तेरो ही सहारो लियो।
पूरी निष्ठा से। बाबा ये दिल्ली वाले भी तरसते हैं, कलकत्ता वाले भी तरसते हैं, बैठे कलकत्ता के लोग इन भजन को नहीं गाता। आज जितने भजन गाए हैं ये मेरे उस संदूक से निकाल के लाया हूं जिसकी चाबी कभी कभी खुलती है। सच्ची है ना? तेरो ही सहारो लियो हे बाबा, बाबा तू ये जान ले, दाता तू ये जान ले, तुम्हारे सेवा कोई नहीं हमारा, बनाओ बिगाड़ो दाता सोच ले विचार ले, तालियां तालियां हाथ आगे।
लबों पर हो। जिस हाल में जीवन हो मेरा तो ध्यान तुम्हीं पर हो। जिस हाल में जीवन हो मेरा तो ध्यान तुम्हीं पर हो। दुख दे या सुख दे दर्दो, दुख दे या सुख दे दर्दो, छोड़ू ना मैं जान ले, छोड़ू ना मैं जान ले, बनाओ बिगाड़ो दादा सोच ले विचार ले। सहारो लियो बाबा तू ये जान ले, बाबा तू ये जान ले, बनाओ बिगाड़ो दाता सोच ले विचार। ओहे नाथ दया करना नजर कड़ी ऐसी ना करना। हे नाथ दया करना नजर कड़ी ऐसी ना करना। आपकी मर्जी के आगे हमने सर झुका दिया। एक बात याद रखना कि तेरा ये बालक बहुत कमजोर है। गलतियों के हम हैं पुतले, गलतियों का जोर है। गलतियों के हम हैं पुतले, गलतियों के हम हैं पुतले, गलतियों का जोर है। माफ कर देना दयालु तेरा दास अति कम झोर है। ओ हे नाथ दया करना नजर कड़ी ऐसी ना करना। हे नाथ दया करना नजर कड़ी ऐसी ना करना। चित्रकार तेरे बेटों की सुन काना तल मत देना। चित्रकार तेरे बेटों की सुनता ना तले मत देना। सुन कर अरदास आना, सुन कर अरदास आना, मोर छड़ी हाथ ले, मोर छड़ी हाथ ले, बनाओ बिगाड़ो तारा सोच ले विचार ले। तेरे ही सहारो लियो बाबा तू ये जान ले, बाबा तू ये जान ले, बनाओ बिगाड़ो दाता सोच ले विचार ले। तेरे ही सहारो लियो तेरा इंतजार होए, आंखों को तेरा इंतजार, प्यारे दर्श दिखा दे एक बार तो। आंखों को तेरा इंतजार होए, आंखों को तेरा इंतजार, पीड़ा हृदय हर पल रुलावे मुझे यादों में तेरे हो। पीड़ा हृदय की हर पल रुलावे मुझे याद में तेरी। याद देखो सुनी रंग जगत के लगते हैं फीके प्यारे,
चाह तेरी तू ही तो मेरा दिलदार होए तू ही तो मेरा दिलदार प्यारे दर्स दिखा दे एक बार आँखों को तेरा इंतजार मैं सेवक तू मेरा है स्वामी यहाँ कौन है मेरा कौन है मेरा तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं प्यारे दर्द ये मेरा कर ले तुम कर ले तो कर ले मुझसे प्यार कर ले तो कर ले मुझसे प्यार प्यारे दर्स दिखा दे एक बार तू आंखों को तेरा इंतजार आंखों को तेरा इंतजार सांवली सूरत जाओ सी तलधार हो बन जाओ सी तलधार प्यारे दर्द दिखा दे एक बार तू आंखों को तेरा आंखों को तेरा इंतजार आधार हो मुझको तेरा आधार प्यारे दर्द दिखा दे एक बार आंखों को तेरा इंतजार हो आंखों को तेरा इंतजार हो आंखों को तेरा बोलो शाह और अब मुझे भी संजय को सुनना है एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
लेकिन इस उम्र के अंदर में, इस उम्र में इतनी दूर से, और आज इनके भाव, चूंकि इनको पता है गुणगान यात्रा का एक्सपीरियंस है भैया जी को, और इनको पता है कि गुणगान यात्रा में कैसे कैसे प्रेमी मिलते हैं, कैसे कैसे भाव बरसते हैं, और शायद जो प्यार इनको आज से 19 साल पहले मिला, उसी वही प्यार पूरे हिंदुस्तान से जो मिला, वही प्यार आज इनको यहाँ पर खींच कर लेकर आया। हमारे पास शब्द नहीं है आपने जो प्यार दिया उसके लिए। आइए, मैं निवेदन करूँगा भैया जी को, आप भैया वहाँ पर प्यारे की जय, पर साधु नरेश की जय, प्यारे की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो,
जी प्रेमियों, देखिए बहुत आवाज आ रही है, ऐसा बैठ जाओ। कीर्तन जो है ना बैठ के, एक निवेदन करूं, ये बंद कर दो, ये वीडियो बनाना आपका नुकसान है। कोशिश करो कि आपकी तस्वीर ठाकुर खींच ले। लेकिन आप किसी और की खींच रहे हो तो वो आपकी क्या खींचेंगे। आइए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भैया जी ने जो चार भजन सुनाए, अमृत तुल, दो भजन सिर्फ और दरबार में, क्योंकि समय काफी हो गया है और कल सुबह फिर यात्रा शुरू करनी है। लेकिन मैं एक ही निवेदन करूंगा, जिसका मन नहीं लगे वो प्लीज बाहर चले जाना, लेकिन यहां दरबार में बैठकर बातें मत करना। भैया जी भी 2019 में जब 2000 में जब निकले, हर पड़ाव पर रोते बिलखते भक्त मिले होंगे और उनके आंसुओं में एक विश्वास मिला होगा इनको देखने में कि वो बाबा के दरबार में, बाबा के दरबार के पास आए जो रथ में लगा था। रोए जरूर, लेकिन एक विश्वास के साथ कि शायद ये यात्रा हमारे गांव से जा रही है, बाबा ने हमें एक मौका दिया है अपनी अरदास लगाने का। और वही हम लोग भी देख रहे हैं, रास्ता रोक रोक कर भैया जी चल रहे हैं, अचानक गाड़ी में ब्रेक लग गया, हम लोग अपने मस्ती में आंखें बंद करके चल रहे हैं, रथ को पकड़कर अचानक ब्रेक लग गया, देखा न जाने कहां से दो लोग पांच लोग आ गए और बाबा के रथ को पकड़कर रो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके तकलीफों पर विराम लग जाएगा। बहुत से लोगों ने अर्जियां लगाई, अर्जी बांधी और उनके दिल के भाव क्या है, थका हारा क्या पुकार कर सकता है बाबा से। आपका भी कोई सवाल है तो कोशिश करना है इस भजन को समझने की, समझ में आए तो साथ गाने की। एक हारा हुआ प्रेमी दरबार में खड़ा होकर बाबा से क्या कहता है। श्याम थारी चौखट से बना लो भाने हर दरबार के, लायक बना लो भाने हर दरबार के। उसने ये नहीं कहा कि बाबा लायक बना दो, क्योंकि उसे मालूम है अगर लायक बना दिया कहूंगा तो बना देगा, लेकिन मैं इनको भूल जाऊंगा चकाचौंध में। लेकिन शब्दों में फर्क है, लायक बना लो, बना दियो नहीं बाबा, बना लो और अपने दरबार का दरबारी हमेशा हमेशा के लिए रख लो, ताकि मैं आपका दरबार छोड़ कर कौन कौन इस दरबार के लायक बनना चाहता है, मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे।
लायक बना लो Thank you.
श्याम प्यारे की
इनके द्वारा ऐसे ऐसे अनमोल नगीने बाबा ने लिखवाए, इन्होंने नहीं लिखी, बाबा ने लिखवाए। मुझे आज भी 20 साल, बैठ जाओ, एक भजन बस, एक भजन और बर्दाश्त कर लो, झेल लो। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले इन्होंने एक बात मुझे कही थी कि संजय आधी रात को सोया रहता हूं, अचानक उठा देता है और दो लाइनें लिखवा देता है, अटल सत्य है, किसी की औकात नहीं कि इसका गुणगान अपनी मर्जी से कर सके, बिना इनकी कृपा के नहीं। ऐसे ऐसे हजारों भजन हैं, उनमें से एक भजन मेरे दिल को बहुत भाया, समझ में आया, कलेजा निकाल कर रख दिया। आप भी गाना मेरे साथ, एक एक शब्द में पुकार है और एक एक शब्द अगर सब कुछ भूल कर, मैंने पहले ही कहा था कि यहां बैठो तो ये भूल जाना कि आप हो क्या, कितने सुख हैं और कितने दुख हैं, सब भूल जाना। इसके सामने बैठ के भी अगर अपना एनालिसिस खुद करोगे ना तो आपका एनालिसिस ये नहीं करेगा, ये सोचेगा ये खुद चिंता कर रहा है, फिर मैं इसकी चिंता क्या करूं, ये तो उसकी चिंता करता है जिसकी कोई चिंता नहीं करता। इसके दरबार में वो चलता है जो कहीं नहीं चलता, उठाकर देख लेना इतिहास। आप भी अगर कुछ बने हो अगर श्याम दरबार से, अपना बैकग्राउंड देख लेना कि कहीं नहीं चल रहे थे, इस दरबार में सिर झुका दिया, कीमती बना दिया। अब चूंकि सब कुछ बना दिया, एक मन में डर हो गया कि बाबा आपने इतना बना दिया, बाबा मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाई, दिल से रिश्तेदारी निभाई, कोई छोटी सी बात हो गई जो मैंने ना समझी में कोई गलती कर दी, और रिश्तेदार क्या, अपना सगा भाई खून का प्यासा हो गया, कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि बाबा आपने यहां तक पहुंचा तो दिया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी किसी खता पर आप इतना नाराज हो जाओ कि हमें दूर कर दो अपने दरबार से, जैसे रखना लेकिन दरबार की चाकरी मत छोड़वा लो बाबा। आइए, बहुत प्यारा पुष्प बाबा के चरण में। बस 5 मिनट, कोई मत उठना, कोई बात मत करना, 5 मिनट बिल्कुल मीठा मीठा गाएंगे। शाम तुमसे हमारी अर्जी है, शाम तुमसे हमारी अर्जी है, बाबा तुमसे हमारी अर्जी है, बाबा तुमसे हमारी अर्जी है। ख्यार जी, कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना, शाम तुमसे हमारी अर्जी है, शाम तुमसे हमारी अर्जी।
बाद पसीना आया कि मैंने ये क्या कर दिया। उसी समय आपने इंसान को परिपूर्णता नहीं दी बाबा।
आपका प्यार
वो दिन कभी ना आए, बाबा तुम्हें भुला दे। वो दिन कभी ना आए, बाबा तुम्हें भुला दे। बाबा ने कहा अच्छा, इतनी बड़ी बात कह दी कि वो दिन कभी नहीं आएगा तुम मुझे नहीं भुला। अगर तू मुझे भूल गया तो तेरी सजा क्या होनी चाहिए ये भी बता दे। भगत ने कहा बाबा छोटी सी बात, सजा भी सुन लो बाबा। कर जो तुझे Amen.
लेकिन रूम कौन सा बसा है? पहली बार वाला, क्योंकि उसके बाद तो आपकी कृपा हो। जब पहली बार आपके पास आया था, मन मन बिल्कुल निश्चल, आपको नहीं जानता था और दुनिया में किसी को मैं नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं जानता था। गिरता पड़ता, हारा मारा, लुटा पिटा आपके दरबार में आकर खड़ा हो गया। मुझे किसी ने कहा शाम के पास चला जा, जिंदगी बदल देगा पहली बार में। बहुत कुछ सोच कर आया आपके दरबार में, लेकिन जब आपके सामने खड़ा हुआ, आंखों में ही उलझ कर रह गया। और वो रूप जो उसके बाद तो जिंदगी बार देखा, स्वार्थ आ गया, पहचानने लग गए थे, मैं लोगों को पहचानने लगा। लेकिन पहली बार वाला रूप आज भी नहीं भुला पाता। रूप ऐसा बसा है चबूतरे पर, किसी श्याम भक्त में कोई छाया थी, बुलाया दूर से, मुझे नहीं पता था क्या होता है। तालियां बजाऊं। किसी ने कहा तेरा बुलावा है, मुझे बुलाया, क्या चाहता है? मैंने कहा बाबा मैं आया नहीं, लाया गया। मैं झूठ नहीं कहता, कसम श्याम की, उस दिन यही कहा, आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे कहा मेरा श्रृंगार करा दे। मैंने कहा बाबा आपके दरबार में आया, टिकट के पैसे नहीं थे, आपको पता है, आप श्रृंगार कराने की बात कह रहे। कहा अगले साल फागण में आएगा, एक माला चढ़ा देगा। फिर कहा मुझे इतना चढ़ाएगा नहीं है मेरे पास, एक शीशी इत्र चढ़ा देगा अगले साल। मैंने कहा बाबा इस बात की गारंटी अगर करोगे कि अगले साल बुलाओगे, तब ये अरदास आपके दरबार में लगा कर जाऊंगा कि मैं एक माला और एक अत्र की शीशी आपको चढ़ा पाऊ। अगले साल आने से पहले कृपा बरसा दे बाबा। उस दिन कहा कि मेरे पास नहीं है, आप बोलोगे तो चढ़ा पाऊंगा, लेकिन आज कहते कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने जो कर दिया। उस दिन के भाव दे दो बाबा। Yeah.
फुल साचे दरबार की जय। प्रेमियों आप आए, जंगल को मंगल बनाया, कोई 50 किलोमीटर से आया है, कोई 100 किलोमीटर से आया है, कोई 200 किलोमीटर से आया है, कुछ लोग तो ऐसे भी है जो खाटू जा रहे थे और बीच में बाबा का रथ मिल गया, रुक गए कि दर्शन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, फिर खाटू जाएंगे, कुछ खाटू से दर्शन करके आ रहे थे फिर रुक गए। हमारे पास शब्द नहीं, आपने इतना बड़ा मान रखा श्री श्याम कला भवन के स्वर्ण जयंती महोत्सव में आपने प्यार बरसाया, सिर्फ एक अरदास पर आप दौड़े आए, आज आपने स्वतः चलाकर यहाँ आकर प्यार बरसाया, आपका आभार प्रकट करके आपके भावों को छोटा नहीं करेंगे। हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन एक प्यार भरा, मैं परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी से हमारे श्याम कला भवन की नींव की ईंट है। ये तो बाबा की कृपा बरसी है साहब, दोनों को बुलाने का मन था, कभी सोच नहीं थी कि एक आदमी भी एक बार, कभी ये नहीं सोची थी एक कीर्तन में दोनों में से एक भी आप आएगा, लेकिन बाबा ने ऐसे सुने कि दोनों ही आज संगम हुआ है। बाबा ने सोचा ना, इसलिए बाबा ने पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा कि भैया जी को एक प्यार स्वरूप, एक सौंद और एक श्री श्याम कला भवन का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। विषम परिस्थिति में जब कीर्तन करते हैं ना, वहां साक्षात बाबा विराजमान होता है। जोरदार तालियां बजाना, जोरदार। आरती होगी, लेकिन उसके पहले यहाँ है एक मिनट, नहीं हो गया, बस अब यहाँ जिन्होंने व्यवस्था की है, कोई श्याम मित्र मंडल से निवेदन करता हूँ कि एक बार वो आए दरबार में। श्री श्याम कला भवन की तरफ से मैं राजीव जी काबरा को निवेदन करता हूँ कि एक सेकंड नहीं नहीं अभी नहीं, आपने अभी हमारा पहले आइए काबरा जी, श्री श्याम मित्र मंडल को, और मैं भैया जी से ही निवेदन करूँगा कि एक बार सॉल उठाकर भैया जी सॉल उठाकर और काबरा जी प्रतीक चिन्ह देकर समारोह कर, एक बार निकाल लूंगा सब लाइन में से, बोलो मैं सब निकालू, खड़ा हो जाओ, सब निकाल बेटा रखो प्यारे की जय। दो मिनट में आरती होगी। सभी बैठे रहे, दो मिनट आरती का।
सभी बैठे रहेंगे, बैठ कर आरती करेंगे। भाई साहब बैठ जाओ। भक्तों के दिल में विराजते
जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगा दास पाडियो शरण में रखियो उनकी लात धन्य गुणारो देश है हाटो नगर सुजा अनुपम छब श्री श्याम की दर्शन से कर जा श्याम श्याम तो मैं रखो श्याम मेरे जीवन का श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम हाटो नगर के बीच में तमेव सर्वं मम देव देव मे तो